बाइक दिखने वाली है, कुछ अलग दिखने वाली है जो अभी तक मैंने ओन नहीं करी। पश्तूनी पोशाक के नीचे निकला ईरानी चेहरा दी हमारी उज़्बेकिस्तान की। हेलमेट चाबी चलाएगा कौन? ये बंदा, ये देखो। मैंने कहा आंटी आपको तो भयंकर रेड बुल में जाना चाहिए, एडवेंचर स्पोर्ट। ओ अम्मा देख, हाँ देख, मेरी टोपी उड़ती जाए। एटीएम से हो जाती है 1 लाख तक की पेमेंट। स्कूटी ड्राइव कर रहा है आप। जिंदगी में स्कूटी और आजादी है। जब ये स्कूटी बंद हो जाएगी तो इसको हम अपनी छाती पे रखेंगे, साधन बन जाएंगे हमारे पैर। ठेके के पास देख लो, यहाँ तो भीड़ सदा बाहर रहती है। स्टैक का ठेका तुमने पिलाया तो कुछ नहीं, बिना पिलाए निकल गए तुम बैंक। अगर बिल्डअप करने की बात है तो मनी नहीं देखने। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट, AI इंटेलिजेंट लग रहा है मेरे को ये। मैं आईफोन लेने के बाद और इसमें देखो ग्लिच आ गया भाई। ये ना इस बंदे के बाल थे, ठीक है। अब देखो जेम्स बॉन्ड सजेस्ट करी आईफोन 14 लेने को। आईफोन आगे यही बड़ी बात नहीं, कलर भी चाहिए उसमें हमें। भैया इससे फोटो लेने पर डोरेमोन बन जाएगा ये बंदा। आईला जादू भाई, सोचना ही नहीं है। ये भी फाइनल था कौन सा लेना था, ये भी फाइनल है कौन सा लेके जाएंगे। आते हैं आईफोन स्टोर में और खाली होके चले जाते हैं। तो भाई जब ये गाड़ी ली थी ना तो इसे लेते हुए ये सोचा था कि इसे लेकर धरती से चांद तक जाऊंगा। आजकल कुछ होता इस प्रकार से है, ये निकलती सिर्फ तब है जब शहर से कहीं बाहर जाना हो, क्योंकि भाई शहर में ट्रैफिक का कुछ इस प्रकार का हाल है। इसे चलाना तो दूर, कभी कभी इसे चलाने में भी डर लगता है। ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हर वो व्यक्ति समझ सकता है जो शहर में रह रहा हो। दिन भर के घंटे होते हैं वो ट्रैफिक में निकल जाते हो। भाई रिलेट कर लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। धातु पहनी हुई है तुमने अपने चेहरे पे, ये कैसी पोशाक है? पश्तूनी पोशाक जो हमें धूल से बचाएगी। वो भाई ईरानी चेहरा। पश्तूनी पोशाक के नीचे निकला ईरानी चेहरा, ये क्या हो गया हमारे साथ धोखा? हमने सोचा था कि पश्तूनी होगा, ये तो ईरानी निकल गया। आदि हमारी उज़्बेक ही लग रही है, उज़्बेकिस्तान की। ऐसा लगेगा कि मैं बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले भाई बोल रहा था कि स्कूटी में ना बहुत ज्यादा डर लगता है, स्किट होने के चांसेस होते हैं। बट फिलहाल चलानी पड़ रही है, कुछ कारण है, वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएगा। बाइक आपको फिर से इस आंगन में खेलते हुए दिखेगी कुछ दिनों में, है ना, इसी आंगन में, यहीं पे आपको बाइक दिखेगी। और बहुत खूबसूरत बाइक दिखने वाली है, कुछ अलग दिखने वाली है जो अभी तक मैंने ओन नहीं करी है, उस सेगमेंट में से दिखने वाली है। वो सब करते हैं बाद में बात, फिलहाल हम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं। व्हाट्स दैट वर्क इज की वो आपको पता चल जाएगा। वंस वी आर ऑन रोड, वंस वी रीच एट द स्पॉट वेयर वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क, दूसरे रहे होंगे फिर। मौजे नहीं है। ऑल गुड। हेलमेट चाबी चलाएगा कौन? ये बंदा। ओ भाई बाल कटाए मैंने अभी यार, तुम मेरे बालों की लेना डालो भाई। यार तुम मेहमानों से काम कराओगे यार। ये देखो, ठीक है, जय श्री राम। यार पेटीएम से हो जाती है 1 लाख तक की पेमेंट? पेटीएम से नहीं होती, UPI। UPI कह रहा हूँ मैं, पेटीएम में। पेटीएम अलग है, UPI अलग है। पेटीएम अलग है। UPI जो बना था ना, बना था कि वो इन सारे जो पेइंग एप्स है ना, इंडियन पेइंग एप्स, ये इन सबको सिंक्रोनाइज कर सके, मतलब कि वो तो करता ही है। हाँ, पर पेटीएम अलग है, UPI अलग है, वो नहीं है ना। जैसे एंड्रॉइड है, फोन तो सैमसंग बना रहा है, पर उसमें एंड्रॉइड कौन दे रहा है? गूगल प्रोवाइड कर रहा है। तो वैसी है ये सिस्टम, UPI और पेटीएम का। स्कूटी ड्राइव कर रहा है, अब हम स्कूटी गैंग बन गए हैं। अब हमारी जिंदगी में ना बाइक है ना गाड़ी, अब हमारी जिंदगी में स्कूटी और आजादी है। जब ये स्कूटी बंद हो जाएगी तो इसको हम अपनी छाती पे रखेंगे और तब इसे लेके जाएंगे, साधन बन जाएंगे हमारे पैर। तो हम ना जीवन को थोड़ा खुल के देख रहे हैं, बंद शीशों में हमने बहुत दिन काट लिया, फिलहाल हम खुली स्कूटी में दिन काटने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह मैं ऐसे रहूं जैसे कि भयंकर सच में मेरी आवाज स्पीकर में जारी होगी इतनी ज्यादा विंड नॉइस के साथ, पर कोशिश जारी है दोस्तों, और तुम्हारा समर्थन भी चाहिए इस कोशिश के लिए। अंकित भाई इस समय तुम भी मानते हो कि उतना ट्रैफिक दिख नहीं रहा है जितना होता है ना शाम के वक्त में, यहाँ जब बिजी आर रहता है यहाँ पे। ठेका है ना, ठेके के पास देख लो, यहाँ तो भीड़ सदा बाहर रहती है। ठेके में सदा बाहर व्यवस्था है भाई, ठेके में हमेशा भीड़ रहती है, बाकी कहीं हो ना हो। रॉयल स्टैग का ठेका, गाइस तुम्हें रॉयल स्टैग का ठेका भी दिखा दिया, अब बताओ और क्या लोगे तुम? ये कह रहे हैं ठेका दिखाया तुमने, पिलाया तो कुछ नहीं, बिना पिलाए निकल गए तुम बैंक। ओ अम्मा देख, हाँ देख, मेरी टोपी उड़ती जाए, अम्मा देख। हम लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, हर आदमी जवानी में लड़का होता है अपने दौर में, तो हमारे दौर में तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए यही होती थी जब हम गोंडे हुआ करते थे कि अपनी टोपी कैसे संभाले, क्योंकि भाई इधर स्कूटी को थ्रॉटल देना है और इधर टोपी पे एक हाथ रखना है, तो बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। इससे में अगर बैलेंस बिगड़ा तो आदमी का बैलेंस के साथ साथ उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, शारीरिक सब कुछ खाता ही बिगड़ जाता है। अपने जीवन में ऐसे दिन भी देखे और ऐसे दिनों से उठ के हम आज यहाँ पहुंचे हैं जब हम ट्रैवल सोल्स बन चुके हैं, हम आजाद पक्षी बन चुके हैं। मैं कौन के टाइम के हो ना, कौन के जमाने के हो तुम? हम भी एकॉन के दौर के हैं गाइस, एकॉन के दौर में हमें प्यार था वेस्ट से, अब हमें प्यार है अपने देश से। कितने भीषण शहर से होते हुए यहाँ तक पहुँचे, अब यहाँ पहुँचने के बाद तुम व्यू देखो भाई,
पूरा जंगल है। डेंसनेस देखो तुम इस जंगल की। इट टुक अस टू रीच हियर भाई 1 किलोमीटर भी नहीं। देहरादून है गाइस, इसकी देहरादून में ना तुम्हें घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा प्रकृति के बीच पहुंचने के लिए। देहरादून में तुम इसको प्राप्त कर सकते हो कुछ चंद पलों में। राजपुर रोड की तरफ से उधर से तुम देखोगे तो मसूरी का रेंज है। ISPT की तरफ, ISPT से तुम रायपुर वाली रोड पकड़, डोई वाला से ऋषिकेश की तरफ निकल जाओ, वहाँ भी डेंस फॉरेस्ट है। थानों की रेंज वहाँ से कनेक्ट होती है। दूसरी रेंज कल भाई मुझे बता रहा था, दूसरी रेंज कौन सी थी, रानी पोखरी वाली रेंज वहाँ से कनेक्ट होती है। सो हाउ मैनी ऑप्शन आर देयर फॉर यू इफ यू आर अ नेचर लवर और अ ट्रैवल एंथुजियास्ट? तो भाई बहुत ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, स्कूटी उठाओ और निकल जाओ ब्रो। आतंक कहीं है हमारी ले ना ले पप्पी। स्पीड ब्रेकर मोड के साथ वो इतना ज्यादा मर जोर खाए कि मतलब कलर साइज इतना ज्यादा सिमिलर हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है स्पीड ब्रेकर है कि रोड है। फ्रेंड्स निकालना मुश्किल था कि रोड था कि स्पीड ब्रेकर। प्रो मैक्स की जगह टेलीपैथी आ रहा है ना उसमें लेंस, तो हमारी आंखों में भी वही लेंस गाइस लग गया था थोड़ी देर के लिए, जिससे हमें वो दूसरा वाला स्पीड ब्रेकर दिख गया। एक स्पीड ब्रेकर में अपनी वाट लगवाने के बाद नजरों को कल चेंज करा और दूसरे डायरेक्शन में डाला तो तब हमें दिखा कि खतरा तो ऊपर नहीं, खतरा नीचे था। एक ना अंदर की तरफ खाला टाइप का पड़ता है, खाला यानी कि गड्ढा है वहाँ पे और कचरा ही कचरा है, नीचे सीवर बह रहा है, टट्टी उट्टी पानी बह रहा है और ऊपर ना वहाँ पे इतनी पतली संकरी सी सड़क है और वो आगे जाते जाते और संकरी हो जाती है। गड्ढा करने आ रहा था मैं एक दिन, घर वालों की कॉल आई नहीं थी, कॉल में घर वाले भी थोड़ा रुष्ट थे मुझसे और ऐसा था स्थिति मेरे घर में कि मेरे को जल्दी पहुंचना था, है ना, समझती हो जब घर वाले रुष्ट होते हैं तो उस वक्त मतलब पारा हाई रहता है, तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके सेफ जोन में आ जाना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ घुस गया और गूगल मैप मैंने लगाया हुआ था, गूगल मैप ने मेरे को दिखा दिया गली गलती से अंदर की और मैं उस पर चला गया। अब मैं जाता तो गया, मैंने ये सोचा ये अब खुलेगी तब खुलेगी, पर जितना मैं उस गली में अंदर जाता गया वो गली और संकरी होती गई। अब लास्ट में स्थिति ये हो गई गाइस कि मेरी एक टांग हो गई खड़ी, क्योंकि एक तरफ था खाई नीचे गंदा नाले का पानी बह रहा है और ऊपर है लोगों के घर और बीच में खड़ा हूँ मैं। अब एक आंटी निकली वहां घर से बाहर, तीना मेरे को ऐसे देख रही भयंकर कि इसने पहुंचा कैसे दी भयंकर बाइक यहाँ पे। मैंने कहा आंटी यहाँ से बैग कैसे करूँ मैं, कह रही बेटा पीछे ले जानी पड़ेगी बाइक की ऐसी। मैंने कहा ऐसे कैसे ले जानी पड़ेगी पीछे, कह रहे हम तो रोज ले जाते। मैंने कहा आंटी आपको तो भयंकर रेडबुल में जाना चाहिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स में भयंकर खतरनाक रोड पे चला पा रही है गाड़ी, तो मतलब भाई स्किल है। मैंने कहा आंटी सल्यूट है आपको। काफी देर प्रयास करने के बाद उस खतरनाक स्थिति से मैं बाहर निकल गया। उस दिन मैंने मौत को आते हुए देख लिया था। यहाँ से निकलने के मेरे पास अब से 2 तरीके बचे हैं, मैं अपनी बाइक को और खुद को नाले में गिरा के समर्पित कर दूं और फिर नाले से कोई मुझे बचाने आए। दूसरा तरीका ये था कि मैं हिम्मत ना हारूं और मैं कोशिश करके धीरे धीरे बेबी स्टेप ले लेके गाड़ी को वापस बैक करूं। मैंने सेकंड वाला ऑप्शन लिया गाइस, कुछ अच्छा सा नहीं लगा नाले पे जाके और उससे बाहर निकलना, तो मैंने स्लो एंड स्टडी वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करा। अब तुम ये देखो कितनी क्रिटिकल कंडीशन थी भाई उस टाइम पे, मेरे घर से प्रेशर था, मेरे को जल्दी पहुंचना था, अब मेरे को डिस्टेंस भी कवर करनी थी, वहां जल्दी भी पहुंचना था, सिचुएशन से भी बाहर निकलना था, सारा मल्टीटास्किंग हो गया था उस टाइम पे। बट मैंने किसी तरह वो टास्क पूरा, कहने को देहरादून एक धरातल में बसा हुआ क्षेत्र है, यानी कि मतलब समतल जमीन में बसा हुआ एक क्षेत्र है, पर मैं तुम्हें इसकी खूबसूरती दिखाऊं। यहाँ तुम किसी भी रोड से आगे तक अगर अपनी नजर फैलाओगे ना तो तुम्हें ये नजर आएगा, देखो मसूरी के करीब पहुंचते जाओगे जितना तुम ये डिस्टेंस कवर करोगे। क्या कह रहे हो बिष्ट भाई तुम, चारों तरफ पहाड़ है। अच्छा तो अंकित भाई ने एक और फैक्ट हमें अभी बताया है और ये फैक्ट सुनने में शायद से आपको भी अच्छी फीलिंग दे। देहरादून को कहते हैं द वैली सराउंडेड बाय हिल्स, तो इसका मतलब है कि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है फुटहिल्स और फुटहिल्स के ऊपर क्या है, फुटहिल्स के ऊपर है द अल्टीमेट हिमालयस, द ग्रेटर हिमालयस, द माइटी हिमालयस। भाई जन्नत ही है एक तरह से, तो कहने के लिए जन्नत में ही जी रहे हैं। और भाई देखो यही बातें करते करते ऐसे समय काटते काटते हमारी मंजिल भी आ गई है, सामने है क्रॉस रोड मॉल, है ना, हम पहुंच चुके हैं देहरादून क्रॉस रोड मॉल में। अब यहाँ से वो लेते हैं जो हमें लेना था, अपना काम निपटाते हैं एंड देन आपको दिखाते हैं कि क्या था सरप्राइज। जगह भी ऐसी छोड़ी लोगों ने जहाँ दूसरा डालने से पहले 100 बार घबराए और बाकी पूरा पैक है यहाँ पे, तो भाई ने कोई नहीं हम भी जिद्दी हैं हमने उधर लगा दी गाड़ी। ठीक है भाई चलो फिर करते हैं अपना काम जो करने आए। एंटर कर चुके हैं हम क्रॉस रोड मॉल में और इसको बने हुए ना कुछ वक्त हो चुका है मुझे लग रहा है, दो अरसा भाई एप्पल के आईफोन स्टोर में आ चुके हैं तो समझ ही चुके होंगे आप। भैया इससे फोटो लेने पर डोरीमोन बन जाएगा ये बंदा। तुम तुम्हारी फोटो लेके क्या पता तुम डोरीमोन बन जाओ। आई ला जादू। ठीक है यार एप्पल पता है क्यों गेन कर रहा है मार्केट, देखो 4K है, शार्पनेस इंप्रूवमेंट्स है, मतलब ग्लिच नहीं है और शटर बार बार फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है,
स्टेबिलिटी है, स्टेबलाइज्ड है। 5000 नहीं बचाना, बढ़िया यूपीआई से डायरेक्ट हो रहा है, ट्रांजेक्शन निकल जाएगा। भाई सोचना ही नहीं है, ये भी फाइनल था कौन सा लेना था, ये भी फाइनल है कि कौन सा लेके जाएंगे। ठीक है, 256 है ना, ये 256 नहीं, कितना है ये, 128 है, 256 कितना है, 10 ऊपर है, कोई नहीं यही दे दो आप, 128 दे दो। दोनों में साइज का डिफरेंस है, 6.7 और 6.1। यूपीआई हो जाएगा ना पेमेंट, बट ये जो वो प्राइस है वो यूपीआई पे नहीं है, एचडीएफसी में क्रेडिट कार्ड से 84900 का, और आप यूपीआई करोगे 89900 प्राइस है। कौन से 89900 का, तो ये कंपनी की तरफ से ही है मतलब, पर ठीक है कोई नहीं यार, कम है भी टैक्स है जो भी, मतलब उसके बेसिस पे ही वो लोग प्राइस डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए। तो अगर कंपनी ने पुट करा ये प्राइस तो ऑब्वियसली भाई कैमरा क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपने लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है, बाकी काम तो इस फोन से निबट ही रहे हैं जो करेंटली चल रहा है। भाई वो आ गया जिसका इंतजार था, फिलहाल चार्जर भी आ गया, क्योंकि इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। एक लायबिलिटी है जो आईफोन के साथ तुम्हें अलग से लेनी पड़ती है और बाकी फोन वाले तुम्हें साथ में देते हैं, आईफोन इसको लायबिलिटी बना देता है। ये 1400 का और ये अपना टोटल बिल है। तो भाई गम भी है, खुशी भी है, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तुमने ये नहीं दिखाया जनता को, जब आईफोन लेता है आदमी उसके बाद क्या होता है, पर्स खाली। अच्छा ब्लू कलर है आईफोन का, ठीक है, आईफोन 14 ब्लू कलर। हाँ जी राइट, ये चलेगा। अरे सर कलर कुछ भी चलेगा, काम तो अंदर से हो रहा है। इतने बड़े कैमरे को चार्ज करने में लग जाती है अपनी वाट, और फोन क्या खट से चार्ज हो जाता है, कैमरे में बैटरी नहीं होती है, कैमरा फट में ऑन किया लो बैटरी, और तब होता है हमारे साथ धोखा कि पूरे दिन के लिए हम निकल तो चुके हैं पर कैमरे में पता चला कि बैटरी नहीं है। आईफोन तो भाई पावर बैंक से भी चार्ज हो जाता है, क्या परेशानी है। मतलब बताओ, सेल्स वाले भैया भी हंस गए ये बात सुन के, हमारा दुखड़ा वो रोज देख रहे हैं लोगों के रूप में, अलग अलग लोगों के रूप में। ऐसे लोग आते हैं आईफोन स्टोर में और खाली होके चले जाते हैं। भाई मनुष्य भी कितना चूजी प्राणी है भाई, अब इसमें भी हम कलर ढूंढ रहे हैं, बताओ ये आईफोन आगे यही बड़ी बात नहीं है, कलर भी चाहिए उसमें हमें। है ही नहीं, ये है गाइस असली गोल्ड, ये होगा ना आपके पास, लोग समझ जाएंगे आपके पास कुछ है भले ही ना भी हो। पर हमारा तो कुछ रीजन था, वैलिड रीजन भाई, हम व्लॉगर हैं, रोजी रोटी है हमारी कैमरा, और कैमरा तो अच्छा आईफोन में ही मिल रहा है, तो फिर हमने आईफोन लिया। प्यार से ताड़ने वाली चीज है। चलो अभी लगने वाला है इस पे कवच, क्या कहते हैं उसे, ताजपोशी हो रही है इसकी। इसकी पोशाक लगाई जा रही है, ताज पहनाया जा रहा है उसको, कवच भी पहनाया जाएगा, कवच का भी जुगाड़ हमने लेके रखा है, उसके लिए हमने डबल भी पे किया है, वेरीफाइड और ऑथराइज्ड स्टोर से लेके। भाई देखो इतना मजाक करने के बाद ना एक सीरियस बात मैं बोलना चाहूंगा तुम्हें, कि हमेशा एप्पल आईफोन स्टोर से ही प्रोडक्ट लो, क्योंकि इससे क्या होता है तुम्हें बिल मिल जाता है। रीसेलर है एप्पल, हाँ मतलब रीसेलर से लीजिए, ताकि हम दुबई में नहीं है तभी तो 50,000 का ज्यादा फटका लगा है। बात ऐसी है कि आप अगर बिल रखोगे ना, आप स्टोर से जाके लोग को साथ में उसके बिल भी मिलेगा, तो इससे आप सिक्योर हो जाओगे, आपका फोन कल दिन को कोई अक्यूज करता है आपने चोरी वोरी करी तो वो सब सीन नहीं होगा, आपके पास बिल होगा, वैलिड बिल अपने प्रोडक्ट का। इसलिए आईफोन स्टोर से लीजिए, अगर आप बाहर से लेते हैं कहीं भयंकर रीसेलर थोड़ी है यार भैया, प्रीमियम रीसेलर है, प्रीमियम रीसेलर है, रीसेलर है, पर वही कह रहा हूँ ऑथराइज्ड होना जरूरी है ना, रीसेलर्स हैं वो बेच रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं बिल छोड़ो यार तुम रखो 20,000 कम में, बाद में बंदे को फंसा दे रहे हैं उल्टे उल्टे केस में। भाई बहुत जरूरी है, मैंने कईयों का केस देखा। प्लस 128GB ब्लू कलर लिया है हमारे भैया ने, थैंक यू भैया। भैया जितने जोश से बता रहे ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे से ज्यादा खुशी भैया को हो रही है, सही बात है, मेरा भला हो रहा है तो खुशी तो होगी यार, मेरे बड़े भाई जैसे हैं बड़े भाई, है ना, मेरे करियर चल निकलेगा इससे, ये करेंगे श्री गणेश, काला चश्मा लगा के चल रहे हैं जो दिन में भी दिख रहा है, तुम्हें कहाँ से खोलना है, चश्मे की डेप्थ बहुत ज्यादा है, खो मत जाना कहीं चश्मों की गहराई में। अपना घर जा लो, ठीक छे, तुमसे मिल लो घर में, खाला दाल भाती। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आईफोन क्यों लिया है, क्योंकि भाई मैं काम करने वाला बंदा हूँ, आई क्रिएट कंटेंट, मैं आईफोन ले रहा हूँ, इसको मैं यूटिलाइज करूंगा, बेहतर कंटेंट बनाऊंगा, तो मेरा गोल आईफोन लेना नहीं है, मेरा गोल इससे आगे का है। जो बंदे ये सोचते हैं कि यार हमें आईफोन लेना है, गोल आईफोन लेने का होता है, इसलिए वो लाइफ टाइम आईफोन को चेस करते हैं, बट हम अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, आईफोन हमें वहां तक पहुंचाने का जरिया है,
प्रयास जरिया है, इसलिए हमें आईफोन लेना पड़ रहा है। आईफोन को लेकर इससे कंटेंट क्रिएट करेंगे। अगर किसी को सिर्फ शौक के लिए आईफोन में 1,00,000 रुपए डालने हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट। बट हाँ, अगर आप काम कर रहे हो, आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ को डेवलप कर रहे हो, आगे अपने फ्यूचर को बिल्डअप कर रहे हो, देन इट्स अ गुड थिंग। यू कैन इन्वेस्ट 1,00,000-2,00,000 जितना तुम चाहो, क्योंकि लाइफ अगर बिल्डअप करने की बात है तो मनी नहीं देखने का। बट अगर मस्ती करने की बात है तो भाई 10,000-12,000-15,000 का फोन ले लो बाहर से एंड खुश रहो उसमें। डोंट वेस्ट 1,00,000 रुपीज अगर तुम्हें उस फोन को सिर्फ रखना है। भैया जी ज्ञान सुन के पक गए हैं अभी से। नहीं, मैं भैया की बातों से एकदम तो भैया ने फाइनली खोल दिया है 14+। ट्रांसफॉर्मर्स जो एक मूवी नहीं आई था, हमने देखा था कार्स, उसमें खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती थी। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। AI इंटेलिजेंट लग रहा है मेरे को ये। मैं ओन नहीं कर रहा हूँ ना अभी, बाय कर रहा हूँ, बट देखता हूँ नियर फ्यूचर। बट इट्स अ डोप थिंग। दिखने में ही आप देख सकते हो कितना ज्यादा लाइक है, मस्कुलर भी है, और जो उसका ओवरऑल लुक है वो कितना ज्यादा एग्रेसिव आ रहा है। भाई इस्तेमाल करेंगे फिर पहले इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए। ये फोन तो लड़की से भी ज्यादा नखरे वाला। इसके लिए हमने नया टेम्पर निकलवाया, इसके नखरे देखो, ये नया टेम्पर ही खराब कर दिया इस फोन ने। क्या दूसरा टेम्पर निकालने गए हैं? 1,400 रुपए गुड़ गोबर हमारे तो नहीं हो, हमें तो भैया रिप्लेस करके दे। कंपनी बना रही है टेम्पर, कौन सी कंपनी बना रही है? ग्रिप वेस्ट करने के लिए मत बनाओ। क्वालिटी जब 1,400 ले रहे हैं तो भाई ग्रिप इतना तो उसमें वैल्यू प्रोडक्ट रखिए कि ऐसी स्थिति ना हो नया आईफोन लेने के बाद और इसमें देखो ग्लिच आ गया स्क्रीन। भैया फिलहाल इसको हटाएंगे, दूसरा डालेंगे एंड देन फिर हम आगे जाएंगे। HD ड्यूअल प्रूफ ग्लास, ओके। नहीं वो पॉइंट तो हम समझ गए, बट फिनिशिंग नहीं दे पाए ना। ड्यूअल प्रूफ ग्लास तो आपने दे दिया, फिनिशिंग नहीं दी। अब ये इसको निकाल के किसी समुद्र में जाएगा, वो समुद्र में जब ये जाएगा तो इसे कोई मछली खाएगी और उस मछली को फिर हम खाएंगे, तो हम ही अपना वेस्ट रिसोर्स फिर यूटिलाइज कर रहे हैं। बट इस तरह से नहीं होना चाहिए ना कि पेट में जाके यूटिलाइज हो। इसको क्वालिटी को आप पहले इंप्रूव कीजिएगा। इसलिए मतलब फिटिंग की फॉल्ट नहीं थी, ये पीसे डिफेक्टेड आया था बाइक कंपनी है ना। क्या तो भैया आप कुछ नया कैटेगरी का लाए हैं मामला, अपने में कुछ बढ़िया सा लग रहा है। वेट वाइप हो ये सब तो भैया एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर से क्लीन व्लीन करने के लिए। असली जो चीज़ है ना वो है ये काम जो ऊपर टेम्पर चढ़ता है, इसमें चाहिए बारीकी और हाथ चाहिए बिल्कुल सटीक। क्योंकि इसमें अगर बीच में बबल क्रिएट हो गया तो वो बबल वो ये है कि तुम्हारा फोन धरती से चला जाएगा, लेकिन वो बबल फोन से नहीं जाएगा। फोन से उस बबल को निकालना बहुत टफ हो जाता है। टेम्पर को चढ़ाते हैं बहुत क्लीनलीनेस हाइजीन के साथ काम करना पड़ता है। पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत इंडल्जिंग प्रोसेस है। तो भाई ये ना इस बंदे के बाल थे सामने खड़ा, और अब देखो भाई को शर्म आएगी, बाल काटने वाले को भी तो शर्म आएगी, खुद ही देख लो। जेम्स बॉन्ड पहचान गया तुमने, तो सब बदल दिया, तुम लग कहाँ रहे हो अंकित? भाई सबको बुरा लग गया, भाई कह रही इतने बढ़िया बात। अपनी खेती है उगा लेंगे, खेत सूखा भी पड़ जाता है कभी, उसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। कंपोस्ट डालेंगे वो किसान है, भारत किसान वाला देश है, अच्छे से करे। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है ब्रो, कभी ना कभी तो कट नहीं थे, पर वही अभी थोड़ा ध्यान दे के करना चाहिए था। मेरे को ध्यान होता ना मैं उसे रोक देता भाई को, मैं कैची पे हाथ पकड़ लेता भाई का कि मत काट।